प्रेजेंट बाय डीएफसी लाइव कवरेज। समय ग्वाल ने मना कर दियो, माँ अब का साल में थाकी गाय में छोटा छोटा बाछरू बना है लार, गौ माता तो चली जाएगा बाकी साडू जी बाछरू से नीचे लागा, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। ग्वाल ने माता साडू की बात को अनसुनी कर दिया और मेल से बाहर निकल गयो। माता साडू ने विचार करियो कि जी दिन 24 बगड़ावत खपिया था उस दिन छोचू भाड़ जी ने वचन किया था कि मैं सदा नी खेड़ा में रहूंगा और गट गोठा में कोई भी आपत्ति आने पर मैं अपने प्राण तक का बलिदान दूंगा, रे सबई बहुत महाराज से ऐसा वचन किया था। साडू माता वणी छोचू भाड़ जी के पास में पहुंची, कहीं तो डोकरी हाथ जोड़ी निवेदन भागी, एक समय वो थी कि उबाड़ी रोज सती ने पगे लाग दो। बाकी एक दिन ऐसा आया, समय का फेर है, समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा कोई समय में रात, कि साडू माता गुजरी ने आधोनी बाड़ जी का जोड़ना पड़िया, क्यों तब जो है सती साडू कहीं तो बाबा भाट में केवे हैं और कहीं तक आप बगड़ा अपना का भाट जी। अरे ये रूटे गयो रे कर तार चोचू बाट मारो रूटे, अहो ये गयो रे निराना जीजियो We'll be right back।
देव नारायण भगवान की जय। उसी समय माता साढ़ू ने निवेदन करियो, भाड़ जी राणा जी ने भोज सजाई है, हमारा देव नारायण कुमार बा कारण आज आप हमारा पियर मारवाने चलो तो जीवन भर आपको ऐसा मानूंगा। भाड़ जी चचू भाड़ जी बोलियो नहीं बने, और बहुत देर में बोलियो साहब क्यों कहीं काम है आपका पियर माल में क्यों चलना, मार से तो नी बने। साढ़ू माताएं विचार करियो, भाड़ जी तू बगड़ावत के साथ में बड़ी बड़ी बैठक में बैठता था, दूर दूर बड़े बड़े रजवाड़ा में उनके साथ में जीव तो पड़े थो, और आज मार से अतरो कल्डो बोल रहे हो बाबा मेरा समय है ये निकल जाएगा, गई टेम फिर आएगा, बाकी धार से मारो निवेदन है भाड़ जी, आदेश नहीं निवेदन के लिए सचिन आप माँ के पियर ने चलो और मात्र माँ ने उज्जैन तक छोड़ दो और वापस थे अटी ने पदार जाओ भाड़ जी, मेरे पूरे दिन पार हो जाएंगे। शिशु भाड़ जी कहने लगा 80 वर्ष की उम्र है साढ़ू जी मारी, माना शीश पर आगी सफेदी, मुख में नहीं मारे बत्ती शीश, और नी चलाए थारा लारे चलियो तो चालू, बाकी रास्ता में राणा की फौज मल जावे तो थने मारे जो मारे साथ में मने भी मारे। साढ़ू माता कहने लगी भाड़ जी राणारी भोज दिन में आवे तो अपन रात में निकल चला, बाकी मेरा साथ दो। सचू भाड़ जी ने कह दिया नहीं चलूंगा, साढ़ू मैया के बालागी घणो माल धन खायो रे बेड़ी धनियाणा करे, और नितरे तो थो लाल गुलाल, अब दुश्मन पीछे पड़िया रे भाड़ तुम्हारा पियर ले जा जय हो। बाकी शशु भाड़ जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं चलता चल सकता क्योंकि मारे मारा नाना वाक्य मां नागौर जानो है, मेड़ता नागौर के पास में गांव है सुसनेरी, वो मेरे मामा जी का गांव है, मुझे मेरे नाना बा ने पत्र दे करके संदेशा भेजा है कि मैं वहां जाऊं, मैं साढ़ू जी नहीं चल सकू था कि ऐसी मुसीबत में मार से नहीं चला, वो बार बार माने परेशान मत करो साढ़ू जी मैं नहीं चल सकू। माता साढ़ू ने विचार कर लिया कि यो बाड़ जी यूं नहीं माने वो ने खरी खोटी कहनी पड़ी कि बेरी भारत मां इने बाटी जी बनी दनी तू भी खप जा तो भारत मां हो Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। साडू मैया की हो सती साडू के बाला की सब बगड़ावत चरण में डूब गया रे बाबा भाट। हाँ। और भी मतवाला कर गया अणि जमाना में अमर नाम हो गुणा धन तूणा सतबाड़ा में तू भी खप जा तो नहीं खारी नदी का तीर पे। तो आज या बात के बा में नहीं आती रे बेरी तू मारा जी जड़ाबा के लिए अटे जिंदो क्यों रे गयो घणो पियो मारा घरे न पाण्यो दूध और घणो खायो कलकल तो कसा। हां हां अब दुख मुसीबत में साथ नहीं चले रे बेरी। हां कोई बगड़ावत खपिया वणी तन कोई थाने खपणो थो जय हो। सचुवाड़ जी विचार करियो क्या बनी साडू जी के साथ में कोई है तो नहीं आपने भी बोलो ना। अब बाड़ जी के तो पक्की मालूम थी नहीं कि साडू माता ने भक्ति करी है तपस्या करी है हरि नाम का चिंतन किया है तभी तो कमल के फूल में भगवान देव का अवतार होया है। बाड़ जी पक्की मालूम थी बाकी बाड़ जी भी कहीं कह रही हो के साडू जी तू मन्ने कहीं मारे मुंह थने सती नहीं मानू जा हो कि क्यों कि सुन मारी बहादुर बिना पति के ए पुत्र जायो रहयो Oh!
भगवान जी के बाला वो सती उनके मानु साडू जो अपना अपना पति रे साथ में जल बल करके भस्म हो गए। तू सती नहीं है साडू, तूने बिना पति के पुत्र जाया, रसिया रावत भोज महाराज को दाग लगाया। अब बताओ माता साडू ये भी पक्की मालूम थी केणी बाट जी, सच्ची मालूम के कमल का फूल में मारी गोद में बालक ने अवतार लियो। साडू माता को वहां से मन टूट बाला वो थोड़ो, क्यों कि आज अपना बंसरा जो छोचू भाट है उन्होंने ही अगर अपने कलंक लगा दियो तो यहां से अपन मेवाड़ यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश मालवा तक जावांगा। तू नहीं मालूम लोग अपने कितना कितना कलंक लगा देगा। माता साडू को मन मन उदास हो गयो। सती ने सच प्राप्त हो वाला गौ माता का गोबर के ठोकर मारी जेका नारियल बन गया। उन्हीं नारियल ने गोद में लिया है, सतबाड़ा में पहुंच गई कि आज मेरे वंश के बाड़ जी नहीं ऐसा बोल दिया तो अब सती हो जाना ठीक रहेगा। माता साडू गुजरी जब सती होने के लिए सतबाड़ा में पहुंची तो नापा ग्वाल से कहने लगी, हरिया बाग से चंदन कटार देखा ली नापा और चीता चुन देखा ली नदी के किनारे। छछू भाट जी ने मारे बोल बोलिया हो गया जिगर के पार, तुम में तो सती हो मांगा बनी सतबाड़ा के मारे। ग्वाल ने भी मना नहीं करियो कि ये सती नारी है, अगर मुंडा में से ये वचन निकल गयो कि बेरी तू भस्म हो जा तो अपने भस्म भी उड़ो पड़े, क्योंकि सती वो चीज है जग में प्यारे जिनके आगे वो भगवान हारे। उस समय नापा ग्वाल ने चीता चुनी तैयार करी। माता साडू जब सती होवा लगी तो उसी समय कोई भी माता साडू ने नहीं समझा, कोई भी साडू सती ने नहीं समझा। बाकी उस समय पे माता सतवंती साडू के पास में चालर मोगर सरे उतावली नया जी की नागली गाय और गंगा नाम की गो माता माता साडू के पास में आई और गाया पास में आकर के आंखों से आंसू की धार गौ माता के बहबा लागी। कहीं तो गौ माता माता साडू रे सामने आकर के रो रही है और कहीं गंगा नाम की गौ माता और चालर मोगर मुंडे बोलबा लागी और कहीं सतबंती साडू गुजरी ने जवाब देवे देवे है देखा। थी अगर माता गौ माता कह रही